बच्चों आज हम आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतिम भाग के बारे में आपको बताएंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाग क्या, इसके पहले आपने 3 वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी है और शेष भाग बच्चों आपको जो बताया था थोड़ा सा आपको भी बता दें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव वो स्टेमन है और स्टेमन में पालन ग्रेन्स होते हैं, पालन ग्रेन्स होते हैं, पालन ग्रेन्स का भी स्ट्रक्चर आपने जाना है, इस तरह से पालन ग्रेन्स होते हैं और पालन ग्रेन्स में एक न्यूक्लियस होता है और ये एक न्यूक्लियस डिवाइड करके फिर दो न्यूक्लियस में बढ़ता है, एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ये है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिंग न्यूक्लियस, जनरेटिंग बच्चों यही जनरेटिंग न्यूक्लियस दो में डिवाइड करके दो मेल लेंगे, इस तरह से पालन ग्रेन्स में माइक्रोस्पोर में ये मेल एक ट्यूब न्यूक्लियस है और इसके बाद इसमें दो मेल मेल, इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पालन ग्रेन्स में माइक्रोस्पोर में दो मेल गैंगी एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब फॉर्म होती है, ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जब आप पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन की क्रिया होती है ट्यूब पॉलिनेशन आफ्टर और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जानते हैं कार्पेल होता है, कार्पेल का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं और इसमें जो ओवरी है खुला हुआ भाग होता है इसके अंदर बीजांड से बीजांड और इस बीजांड में बीजांड के अंदर न्यूक्लियोसाइट रूट कोष से रूट कोष एम्ब्रियोसाइट बच्चों एम्ब्रियोसाइट रूट कोष में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं, किस तरह से देखें जिसे एंटीपोडर सेल और बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस इससे कुछ सेंटर्स अब सेंटर सेल के नीचे एक ऑपरेटर है, इसे कहते हैं एग ऑपरेटर जिसमें बीच में एक सेल है और ये दो इधर एक इधर सिनर्जाइज स्ट्रक्चर में एम्ब्रियोसाइट है। अब इसके बाद इतनी चीजें फिर से जानने के बाद अब आप डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ तो बच्चों पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, जब पॉलिनेशन की क्रिया पूरी हो जाती है तो जो पॉलिन ट्यूब है वो स्टाइल से होते हुए ओवरी से होते हुए ओवूल में एम्ब्रियोसाइट के अंदर पहुंच जाती है और जब एम्ब्रियोसाइट के अंदर पहुंच जाती है एम्ब्रियोसाइट के अंदर दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए, दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाते हैं बच्चों,
वन मेल गैमेट हर गैमेट हैप्लॉइड है, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वन मेल गैमेट प्लस एक सेल ये भी हैप्लॉइड है, एक मेल गैमेट एक से एक सेल तो जब फ्यूजन होता है फ्यूजन से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे जायगोट जायगोट बच्चों टू ईयर होता है यानी जिसे हम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। भ्रूण जायगोट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रक्रिया के बच्चों इस प्रक्रिया को मेल गैमेट पर एक से मिलने को सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन बच्चों एक मेल गैमेट जो शेष बचा होता है एक मेल गैमेट जो शेष बचा है प्लस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी तो आपको बताया था सेकेंडरी न्यूक्लियस दो होते हैं क्योंकि हर यानी यन प्लस यन और मेल गैमेट भी क्या है दोनों मिलते हैं दोनों मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों और प्लस मेल गैमेट मिल करके प्राइमरी इंड्यूस पर प्राइमरी इंड्यूस पर बच्चों प्राइमरी इंड्यूस पर ये थ्री यन होगा ट्रिप्लॉइड यानी थ्री यन और इस प्रक्रिया को बच्चों ट्रिपल फ्यूजन इस तरह से जो दो मेल गैमेट होते हैं एक मेल गैमेट एक सेल से मिलता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है इसे सिनगैमी कहते हैं या टू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है जिससे प्राइमरी इंडोस्पर्म बनता है जिसे आगे चल करके इंडोस्पर्म। इस तरह से बच्चों अगर हम इसकी समरी लिखें तो ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलकर के क्या बन गए डबल फर्टिलाइजेशन यानी इस तरह से बच्चों दोनों निषेचन की क्रिया अब इसके आगे हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन यानी कोहरे निषेचन का क्या महत्व है। कोहरे निषेचन का बच्चों महत्व यह है कोहरे निषेचन के बारे में उसके महत्व के बारे में नवासी में 1898 में बताया नवासी में वैज्ञानिक का नाम है कि डबल फर्टिलाइजेशन से आपने बेटी जो पौधे होते हैं एनजियस पर प्लांट जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इससे महत्वपूर्ण यह होता है क्योंकि पहले जायगोट बनता है जायगोट से सीड का फॉर्मेशन होगा सीड से आगे पौधा बनेगा और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे आप देखते हैं कि इंडोस्पर्म भ्रूण कोष इससे बच्चों पोषक पदार्थ इकट्ठा होते हैं जो जायगोट के पोषण में सहायक। अब बच्चों आगे हम बताएंगे कि निषेचन की क्रिया के बाद जो आपने बीजी एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें निषेचन की क्रिया पूरी हुई डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है उसमें निषेचन के बाद कौन कौन से परिवर्तन यानी चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर निषेचन के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन निषेचन के बाद उसमें ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। आप देखते हैं जो पुष्प है उसके निषेचन की क्रिया हो गई तो पुष्प खत्म हो गया उसके स्थान पर क्या आ गया यानी निषेचन के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं क्रमशः
होने वाले निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, तो बच्चों आप पहले से जानते हैं, 9th में भी जानते हैं, अभी इस क्लास में भी आपने जाना है कि पुष्प के चार चक्र, पहले चक्र को कैलिक्स कहते हैं, दूसरे चक्र को करोला कहते हैं, तीसरे में एंड्रोशियम होता है, चौथे में गायनोशियम होता है। सेपल की यूनिट, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है, करोला की यूनिट पेटल होती है, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेबल होती है, गायनोशियम की यूनिट कार्पेल। इस तरह से जो चार चक्र हैं, चार चक्रों में जो पहला चक्र है कैलिक्स, जिसे बच्चों बाह्य कहते हैं, निषेचन के बाद जो बाह्य तंतु होता है वो सूख करके गिर जाता है, निषेचन के बाद जो बाह्य तंतु है वो सूख करके गिर जाता है, लेकिन कभी कभी फल के साथ चीर लग जाता है। जैसे उदाहरण बता दें बच्चों, मिर्च, बैगन, आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब बैगन का डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ये देखिए बैगन के पास बैगन, तो जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बच्चों क्या है, ये सेपल है, सेपल ठीक ना। तो प्राय जो है निषेचन के बाद जो कैलिक्स है यानी उसकी सेपल है वो सूख करके गिर जाती है, लेकिन कुछ फलों में ये चीर लग यानी फल के साथ हमेशा लगी रहती है, जैसे उदाहरण है मिर्च है, बैगन है। इसके अलावा बच्चों जो दूसरा यूनिट होती है दल यानी कोरोला, इसकी यूनिट होती है पेटल, निषेचन के बाद पुष्प पेटल सूख करके गिर जाता है। इसके बाद तीसरा यूनिट है एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट है स्टेमन, निषेचन के बाद बच्चों स्टेमन भी सूख करके गिर जाता है। अब बात करें जायांग यानी गायनोशियम, गायनोशियम की यूनिट होती है आप जानते हैं कार्पेल, कार्पेल के तीन प्रमुख भाग होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा है, इस तरह से आप जानते हैं, ये देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कार्पेल के तीन भाग होते हैं। निषेचन के बाद बच्चों जो स्टिग्मा है और स्टाइल दोनों सूख करके स्टाइल और स्टिग्मा दोनों जाते हैं, और बच्चों जो ओवरी होता है, ओवरी शंडाशय, ये ओवरी फल में, ओवरी फल में बदल जाता है और स्टाइल स्टिग्मा सूख करके बच्चों तो ओवरी के अंदर क्या है, बीजाण ओवूल है, तो बीजाण जो है ओवूल बीजाण बीज जो है बीज बीज में बदल जाता है। कि स्टाइल और स्टिग्मा सूख करके गिर जाते हैं और ओवरी फल में बदल जाती है और बीजाण बीज में बदल जाता है। बच्चों अंडाशय की जो भित्त होती है, अंडाशय की भित्त आप ये देख रहे हैं, आपने चित्र बनाया है, बीजाण है, मूल है, उसके बाहर ये ओवरी वाल, ओवरी वाल ठीक है, ओवरी वाल, ओवरी वाल यानी अंडाशय की भित्त। ओवरी वाल बच्चों पेरिकार्प में, पेरिकार्प यानी फल वृक्ष में बदल जाए, यानी ओवरी वाल पेरिकार्प फल वृक्ष में बदल जाती है। तो आप देखते हैं कोई फल होता है उसके अंदर बीज है, बीज के बाहर फल वृक्ष यानी पेरिकार्प, तो ओवरी फल में बदल जाती है और बीजाण बीज में बदल जाता है। जो ओवरी वाल होती है यानी अंडाशय की वृक्ष होती है वो बच्चों फल वृद्धि में बदल जाती है। अब बात करें उसके अंदर जो बीजाणु है वो ओवूल है, यही कहा गया बच्चों जो बीजाणु होता है वो बीज होता है। तो बीजाणु का स्ट्रक्चर, बीजाणु का स्ट्रक्चर है ये देखिए, सब्जी स्ट्रक्चर देख लें, इसके अंदर ये मोज़ेक है और ये पूरा बीजाणु। बच्चों बीजाणु में ये बाहर की तरह दो लेयर क्या है, आउटर इंटेगुमेन, आउटर इंटेगुमेन, और ये है बच्चों
इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट ये क्या है? ये बच्चों आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होते हैं इसके डिजाइन के वो बच्चों सीड कोट होते हैं। सीड कोट यानी सीड कोट आप रहते हैं बीजावरण, बीजावरण में बीज के आवरण में बाहरी आवरण जो आउटर इंटेगुमेंट से बनता है उसे कहते हैं टेस्टा, और जो भीतरी आवरण से बनता है उसको उसे कहते हैं टेगुमेंट। इस तरह से जो बीज आवरण है सीड कोट है उसके दो लेयर होती है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट को टेस्टा कहते हैं और इनर इंटेगुमेंट को टेगुमेंट। इसके अलावा जो एम्ब्रियो सेरेट है उसके अंदर की अगर बात करें तो एंटीकोडल सेल, एंटीकोडल सेल आपने देखा था बनाया था डायग्राम कि तीन एंटीकोडल सेल है बच्चों, ये तीन एंटीकोडल सेल विसर्जन के बाद नष्ट होते हैं। इसके अलावा दो सिनर्जाइड सेल होती हैं, विसर्जन के बाद दोनों सिनर्जाइड सेल भी नष्ट होते हैं। और क्या बचा है सेंट्रल सेल में तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बचे हैं और एक से एक सेल बना है। तो जो एक सेल है अभी पहले देख लिया, एक सेल मेल गैमेट से फर्टिलाइज करके जायगोट में बदल जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है एक मेल गैमेट से फर्टिलाइज करके ये प्राइमरी न्यूक्लियस पर और प्राइमरी न्यूक्लियस पर से न्यूक्लियस पर में चेंज हो जाते हैं जो कि जायगोट के पोषण का कार्य है। इस तरह से बच्चों निषेचन की क्रिया के बाद उसमें प्रमुख जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आपको हमने बताया है। बच्चों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का चैप्टर आज पूरा हुआ और अगले वीडियो में अगले लेसन की हम बात करेंगे। धन्यवाद।